हेलो गाइस, आज हम टेस्ट सीरीज वन करेंगे बायोलॉजी का। जो हमने 12th बायोलॉजी के लेक्चर्स बना रखे हैं उसमें से जैसे आपके स्कूल में क्लास टेस्ट होते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम वीडियो के माध्यम से आपका टेस्ट लेंगे। इसमें होगा क्या कि हम एक वीडियो में 10 या 15 क्वेश्चन देंगे। अब आपको ये जब वीडियो चला रहे हो तो आपका पेन और कॉपी आपके साथ होना चाहिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो उसके साथ आपका आंसर भी, जो आंसर शीट आपकी उसमें नोट हो जाना चाहिए। फिर वीडियो के एंड में आप खुद ही देख लेना कि आपके कितने नंबर आते हैं। अगर इसकी आंसर शीट चाहिए, यानी इसके ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर चाहिए, तो हम इसकी अगली वीडियो में इनके आंसर लेके आएंगे, और फिर उससे अगली वीडियो में जैसे कि मतलब टेस्ट चलता रहेगा। एक वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको आंसर तभी करने हैं। और उसको मैच कब करना है, अगले दिन जब उनके आंसर शीट डले, यानी वीडियो के द्वारा हम आंसर बताएं या फिर आपको समझाएं, तो उसमें आप देख लेना कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 22 की टेस्ट सीरीज वन से। हम जूलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। जूलॉजी से 21वां चैप्टर है, लेकिन 21वां चैप्टर कोविड-19 के कारण हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 22 की टेस्ट सीरीज वन करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, मानव के दूध के दांत यानी मिल्क टीथ जो होते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, मिल्क टीथ जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। आपको केवल उनकी संख्या बतानी है, शब्दों में बताना है, एक शब्द में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव दंत की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मानव दंत यानी ह्यूमन टीथ हैं, उनके कार्य आपको नहीं बताने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, उनकी विशेषताओं बताना है, या विशेषताओं के शब्दों में भी लिख सकते हैं, या फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, केवल यहाँ पर शब्दों में भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, यानी सबसे ठोस मजबूत पदार्थ कौन सा होता है, उसका केवल आपको नाम लिखना है एक शब्द में। अगला है, आहार नाल के किस भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। आहार नाल हमने पढ़ाया था, आहार नाल में जो मुख से लेकर गुदा तक बहुत सारे भाग होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाचन किस भाग में होता है, उसका केवल आपको नाम बताना है, एक शब्द में इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आहार नाल की सबसे आंतरिक परत का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको केवल आहार नाल का हमने पढ़ाया था, आहार नाल में जो परतें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, 3-4 परतें होती हैं। अब उसमें से जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो अवशोषण वगैरह कार्य करती है, तो उसका आपको केवल नाम लिखना है, ये भी एक नंबर का हो जाएगा। अगला है, मानव का दंत सूत्र लिखिए। तो हमने बताया था दंत सूत्र, वो आपको लिखना है। आप यहाँ पर दोनों दंत सूत्र भी लिख सकते हो, और यहाँ पर एक दंत सूत्र भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनका दंत सूत्र लिखना है, ना कि बच्चों का। और बच्चों का अगर याद है तो वो भी लिख सकते हैं इसके साथ, क्योंकि दंत सूत्र के साथ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है किसका लिखना है, तो दोनों भी लिख सकते हैं। अगर आपको अडल्ट का आता है तो अडल्ट का भी लिख सकते हैं। अगला है, बोलस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको बताना है कि बोलस की परिभाषा क्या होती है, एक या दो लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, रसांकुर को समझाइए, यानी जो विलाई होती हैं उनको आपको समझाना है कि वो कहाँ पर पाई जाती है, मतलब किस तरह से होती है। तो आपको केवल रसांकुर को समझाना है, 2-3, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2-3 लाइन में हो जाएगा। अगला है, ओडी की अवरोधनी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओडी की अवरोधनी कहाँ पर पाई जाती है, किसे कहते हैं, और ये काम क्या करती है, केवल 2-3 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस, इसमें आपको समझाना है, या फिर इसमें आप अंतर भी बता सकते हैं, या फिर इन सभी की परिभाषा भी सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको परिभाषा लिखनी है, या फिर इनमें अगर आपको अंतर आता है तो अंतर भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टेस्ट, इस वीडियो में केवल इतना ही, इसका आंसर जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।